अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का वेदर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप शुरू से मॉर्निंग से शुरू किया अपना व्लॉग। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ, यहाँ का वेदर अपडेट देती रहती हूँ वेदर के बारे में। रात को थंडर स्टॉर्म था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बिजली भी चमकी है, तो इसीलिए वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। कनाडा में सर्दी बस समझ लें अब आ गई है, गर्मियों का तो पता ही नहीं चला कि कैसे आई हैं और कहाँ चली गई हैं। तो ये रात को बारिश होने की वजह से चेयर्स के ऊपर जो बैकयार्ड में चेयर्स पड़ी होती हैं उनमें पानी गिरा हुआ था, तो मैं गिरा दूँगी ताकि ये खुश्क हो जाए हवा के साथ। बैठने को दिल करता है बाहर गार्डन में, तो चेयर जो है वो साफ़ हो जाएंगे, मैं इसके ऊपर कपड़ा मार दूंगी तो ये साफ़ हो जाएंगी। तो आप ग्रीनरी चेक करें कितनी खूबसूरत है, ग्रास सारी वेट हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो यहाँ मैंने आपको एक चीज़ भी दिखानी थी, और ये देखें यहाँ पर लगाए हुए हैं चेरी टमाटोज़, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे। कुछ जो है वो अभी ग्रीन है और कच्चे हैं यानी के, और कुछ जो है वो अब लाल होना शुरू हो गए हैं, मैंने इनको उतारा नहीं है अभी, थोड़े से और ये हो जाएं तो जो जो रेड होते जाते हैं उनको मैं उतारती जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए बस लगे हैं और इसके बाद ये जो है इनका वेदर चेंज होता है, सर्दी आ जाती है, स्नो पड़नी शुरू हो जाती है, तो बस फिर ये इतने ही लगे हैं। क्योंकि कनाडा में ये है कि आपको अपनी ज़मीन को जहाँ पे आप प्लांटिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, उसको आपको खाद डालनी पड़ती है, अच्छे से उसको देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये थोड़े से चेरी टमाटोज़ निकले हुए थे, मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो थोड़ी सी बनाई है। हर समर मैं वेजिटेबल्स लगाती हूँ अपने बैकयार्ड में, और उसमें ग्रीन चिलीज लगा लेती हूँ, आसान आसान वेजिटेबल्स लगाती हूँ जो मुझे ज़्यादा उनकी टेक केयर करनी ना पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ग्रीन चिलीज लगा लेती हूँ, टमाटर लगा लेती हूँ, बेल पेपर लग जाती है, शिमला मिर्च आराम से वो भी आसानी से लग जाती है, और ये चेरी टमाटोज़ जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम लगाए हैं। इस दफ़ा मैंने कोई वेजिटेबल नहीं लगाई है क्योंकि टाइम गुजर गया था, एक टाइम होता है समर स्टार्ट होने से पहले ही आपको सीड डालने पड़ते हैं, तो बस थोड़ा बिजी होने की वजह से वो भूल गई थी मैं डालना, या समझ मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि इस दफ़ा मैंने वेजिटेबल्स नहीं लगाई हैं, बस ये लगाए थे, तो इसीलिए ये सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अब कर लेते हैं लंच की तैयारी, और आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू कीमा, और उसके लिए मैंने कीमे को कर लिया डीप फ्रोस्ट। ये जल्दी जब मुझे होती है तो मैं इसको डिफ्रोस्ट ही कर लेती हूँ, जल्दी से मेल्ट हो जाता है। आलू कीमा मैंने पकने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मछली को मसाला कैसे लगाते हैं लाहौरी स्टाइल में, और आपको पता है सबको बहुत पसंद, आगे मौसम भी जैसा कि बदलेगा और मछली का पता है सब कोई पसंद होती है, शौक़ होता है बनाने का। तो सबसे पहले इसका क्या स्टेप होता है कि मछली जब आए कनाडा में तो ऐसे ही है कि ये नमक नमक लगा के वो नहीं रखते दुकानदार, पाकिस्तान में तो अब ये ट्रेंड हो गया है, वो आराम से वहाँ पे वो
जब आप बाय करने जाते हैं उन्होंने नमक लगा के रखा ही होता है। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले फ़िश को मैंने लगाया नमक, रात में मैंने डाला इसको, किसी खुले बर्तन में डाले ताकि आसानी हो। फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर नमक डालने के बाद लेमन डालें, लेमन स्क्वीज़ करें अच्छे तरीके से। और ये काम जो है मैं रात को करके रख रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से नमक इसके अंदर जज़ब हो जाए, फ्लेवर आए। और ये जो मछली है माशाल्लाह माशाल्लाह से ये आई हुई है, पाकिस्तानी मछली है, ये रोहू मच्छी है जनाब जी ये। और ये आती है कभी कभार ही, और जैसे कि आप मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही कनाडा में, तो ये मिल जाएगी आराम से। लेकिन आजकल के जैसे कि मौसम बदला है, शुरू हुआ है, और जैसे कि मैंने दिखाया आपको बारिश हुई है, हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी चल रही थी, तो आ गई है घर में मछली। आप बताया हस्बैंड जो होते हैं उनको होता है चलो जी वेदर के मुताबिक कोई चीज़ बनाई जाए, चले अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। तो यहाँ पर भी हमारे घर में भी आ जाती है मछली, बहुत पसंद की जाती है। तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ इसकी कम्प्लीट रेसिपी जिस तरह कि मैं बनाती हूँ। आई होप आपको भी पसंद आएगी। मछली का तो बनाना तो चलें इतना कोई नहीं होता, सब पसंद भी बहुत करते हैं, शौक से खाते हैं, और आप तो हेल्दी भी बहुत है ये तो। लेकिन इसको बनाना, धोना, मसाला लगाना ही तो काम है सारा। तो खैर बस यहाँ पे मैंने रात को ही नमक और लहमा लगा के रख दिया था, और इस वक्त अब मैं इसको दूँगी। रात को ही लगाना चाहिए नमक ताकि अच्छे से इसमें फ़्लेवर आए। तो धोने का तरीका भी इसका थोड़ा यही है कि अच्छे तरीके से धोना पड़ता है इसको, ब्लड लगा होता है और ये वेंस लगी होती हैं डिफरेंट जगह के जगह पर, और इसको हमेशा इसके ऑपोजिट वे पर ही धो साफ़ करते हैं छुरी से रगड़ कर, ताकि कोई चाने वगैरह लगे हों तो वो उतर जाएं। यहाँ पर अक्सर लगे होते हैं, पाकिस्तान में तो बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करके देते हैं, क्योंकि ये होती है फ्रोज़न होती है, फ्रीज़ होती है, तो भी इतने अच्छे तरीके से उनसे नहीं उतरते हैं। तो बाकी जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो हम लोग घर में ही साफ़ कर लेते हैं। अब तो यूज़ टू हो गए मैं, इतने साल गुजर गए हैं। हाँ शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो समझ नहीं आती थी कैसे करना। एक तो बात ये कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जब, तो बस जो दिल करता है वही काम करते हैं, और जो दिल नहीं करता वो नहीं करते। जिस तरह कि मैं भी कुकिंग बहुत शौक से कर लेती थी, लेकिन ये मीट वगैरह साफ़ करना, मछली साफ़ करना, चिकन को ख़ास तौर पे साफ़ करना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि उनमें से निकलता था ब्लड और वो मुझे लगता था जिस तरह हाथों में हो रही है ख़ारिश। तो मैं नहीं करती थी ऐसे काम, लेकिन आप तो जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी खुद पड़ती है, सारी औरतों को ही करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अपने घर को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत ताकत दे अपने फैमिली को अच्छे तरीके से लेकर साथ चल सकें। और अल्लाह पाक ने औरत को मकाम भी तो बहुत बढ़ा दिया माँ का। अल्लाह पाक हम सब की माँ को भी सलामत रखे और हमें भी सलामत रखे सेहत तंदुरुस्ती के साथ, ताकि अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से वक्त गुजार सकें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें और अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आपसे बातें करते करते हो गई है मछली भी साफ़, और आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें से चाने भी निकल रहे हैं, और ये मुझे एक एक ध्यान से साफ़ करना पड़ता है। तो बस इसको साफ़ करने के बाद मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ इसको टोकरी में, और नीचे मैंने रख लिया एक प्लेट ताकि जो भी पानी या जो भी ब्लड निकलेगा वो प्लेट में ही जाए, क्योंकि काउंटर पर इस तरह पानी का गिरना या ब्लड का गिरना तो वो फिर बाद में आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मछली धोने के बाद मैं आपको इसको मसाला लगाना दिखाऊंगी। टोकरी में डाल के मैं इसको 10-15 मिनट पड़ने दूंगी ताकि सारा पानी निकल जाए। अच्छा मुझे दरअसल मछली का वेट नहीं पता, मैं बस अंदाजे से आपको बता दूंगी। मछली का मुझे वेट नहीं पता है, मैं मसाला अपने मछली के हिसाब से लगा लेती हूँ, मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, मैं थोड़ा सा बेसन भी अपनी मछली को लगाती हूँ। इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक की जो है फ्रेश पेस्ट बनाकर डाली है। आपको पता है लहसुन इसमें ज़्यादा डलता है, अदरक थोड़ी सी आप डालना चाहें तो डाल लें। अब इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हम कुछ मसाले। बेसन के अंदर ही मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। आपको अगर इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए, क्वांटिटी कितनी डालनी है, तो आप मेरे लाइफ इसामा के चैनल पर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने सब चीज़ों को ठीक क्वान्टिटी में बताया हुआ है।
तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी अब डाल दिया है, और रेड चिली पाउडर भी ज़्यादा ही डलता है। नमक आप इतना डालें कि आपने मछली को भी लगाया हुआ है तो उसके मुताबिक आपने डालना। ये भी सब चीज़ें अंदाजे से होती हैं, आप करते रहते तो आपको पता चलता रहता है कि आपने क्या करना है। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी सूखा धनिया पाउडर, वो भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। लेमन भी इसके अंदर मैंने डालना है अभी। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। फिर इसके अंदर मैं अजवाइन कूट कर डालूँगी, अजवाइन भी इसके अंदर ज़्यादा ही डलती है। तो ये भी कंप्लीट रेसिपी है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट जो है मैं उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकी हूँ, क्योंकि मछली काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं अंदाजे से मसाला लगाऊंगी। अब इसके अंदर मैं लेमन भी स्क्वीज़ करके डाल दूंगी। तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे लाइफ विद सायमा के चैनल पर फ़िश की मैंने उसमें उसका वेट, उसके मसाले सारे बिल्कुल ठीक ठीक बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से वो चीज़ें चेक कर लीजिएगा। लेकिन तरीका यही है माशाल्लाह से, मेथड यही है। आप भी इतनी एक्सपीरियंस है, आपको भी इससे अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो जनाब यहाँ पर मैंने मसाले सारे ऐड कर दिए, अब मैं इनको कर दूँगी मिक्स। अब जितना लेमन और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ जिस तरह थोड़ा थोड़ा उसमें पानी होता है, उससे जितना बेसन मेरा मिक्स होगा ठीक है ना, बाकी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पानी भी मैंने बहुत थोड़ा डालना है, क्योंकि मैंने थिक गाढ़ी सी पेस्ट बनानी है इसकी। मछली में भी आपको पता है पानी अभी होगा, तो इसलिए आपने गाढ़ा सा ही पेस्ट बनाना, थोड़ा थोड़ा डालें और उसके बाद उसको मिक्स करें। ये चीज़ें मैं इसलिए सारी छोटी छोटी बताती जाती हूँ, ज़्यादा के कुछ ऐसे ही होते हैं अभी मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं, छोटे हैं, नया सीख रहे हैं अभी, उनको ये सब छोटे छोटे स्टेप बताने से ही उनको समझ आएगी। जिस तरह कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हर बात छोटी छोटी बताते हैं फिर ही उनको सब समझ आती है। तो इसीलिए मैं कोई भी बात जो मेरे ज़हन में होती है, जिसका कोई फ़ायदा हो या ना हो आप सब की नज़र में, लेकिन मुझे लगे कि नए सीखने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए इससे उनको फ़ायदा होगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मैं बोल देती हूँ। तो बस अब यहाँ पे एक एक पीस को उठाकर तो मैं जो है उसको लगाती जाऊँगी मसाला। आगे भी लगाएंगे, थोड़ा पीछे भी लगाएंगे। और फिर एक मैंने ले लिया फूड कंटेनर, बड़ा सारा ले लिया मैंने, तो इसके अंदर जिसमें मुझे लगता है कि मेरी सारी फ़िश जो है पूरी आ जाएगी, तो मैं इसको लगा कर तो फिर मैं अरेंज कर लूँगी। और मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं इसको चम्मच से ही अप्लाई कर लूँ, हाथ ना इस्तेमाल करूँ। अगर हाथ इस्तेमाल करने पड़ भी जाते तो मैं कभी कभी ग्लव्स पहन लेती हूँ, लेकिन चम्मच से ही बहुत अच्छे से मुझे अब आदत हो गई हुई है लगाने की, तो मैं लगा लेती हूँ। जिसको नहीं आदत है वो हाथ से भी आराम से लगा सकता है, जैसा कि हमारी माएँ इतनी एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं कि उनको तो हाथ से इतना आसानी से अच्छे से लगा के ये जल्दी जल्दी लगा कर वो फ़र्क हो जाती हैं। हम लोग अभी भी फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं यार ये सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छा सा मसाला बन जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो बस यहाँ पे मैं इसको मसाले को लगाती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा इस रेसिपी से रिलेटेड, आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से, देख रहे हैं आप कितना अच्छे तरीके से मसाला लगाया है फ़िश के ऊपर। इसी तरह मछली के ऊपर मसाला लगता है तो तभी मछली का मज़ा आता है। तो मैं थोड़ा सा बेसन इसलिए ऐड करती हूँ कि कोटिंग अच्छी होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये मछली को मसाला लगाने का तरीका। तो अच्छा, अब आ जाते हैं अपने खाने की तरफ। फ्रिज में मैंने फ़िश रख दी है आराम से, अब जो है कल खा लें या एक दो दिन के बाद, जैसे भी जिसका मूड होगा खा लेगा। और उसको मैं करूँगी डीप फ्राई। आलू कीमे का सालन माशाल्लाह यहाँ पर हो रहा है तैयार। साथ में मैं तैयार कर रही हूँ तड़के वाले राइस, जिनको के ज़ीरा राइस भी कहते हैं। इसकी रेसिपी भी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आज काम बहुत ज़्यादा था
तो इस वजह से मैं इसका जो है क्लिप आपसे शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह आलू कीमा तैयार है। कल से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के स्कूल, तो इस वजह से आज जो है काम बहुत ज़्यादा था किचन में भी, उसके अलावा भी आप पता है जब बच्चों का स्कूल छुट्टियों के बाद स्टार्ट हो रहा होता है तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपनी रूटीन से बिल्कुल हटे होते हैं, उनके स्कूल के बैकपैक रेडी करवाना, उनके न्यू कपड़े जो होते हैं वो सेट करने, ये काम भी आज बहुत ज़रूरी था, लंच बैग उनके रेडी करके रखना। तो और यहाँ पर तैयार हो गया मज़ेदार सा हमारा, समझ लीजिए डिनर ही है, और डिनर और लंच के बीच का टाइम है तो हम लोग इस वक्त खाना खाने लगे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, खाना भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब मैं निकालने लगी हूँ, रात का टाइम है, मैं सोने से थोड़ी देर पहले बच्चों के कपड़े निकालूंगी मैं, मरियम ईमान के जो कि सुबह उन्होंने पहनने हैं। तो यहाँ पर स्कूल में आप पता है यूनिफॉर्म नहीं होता, आपने ऐसे ही क्लॉथ कोई से भी क्लॉथ आप पहन के जा सकते हैं। तो मैं इस वक्त करूँगी बच्चों के सुबह स्कूल भेजने की तैयारी, कपड़े वगैरह निकालूंगी और आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कैसा लगा मेरा आज व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और जिन सब्सक्राइबर्स के मैंने नाम नहीं ले सकी हूँ उनके नाम मैं नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।